नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड स्थित सैदनपुर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय स्थित है। यहां लगभग 90 से 96 बच्चे पठन का काम कर रहे हैं। 5 साल से इस स्कूल में चापाकल नहीं है। यहां के बच्चों को पानी पीने के लिए गांव के चापाकल पर जाना पड़ता है। आपके स्कूल में चापाकल है? नहीं। क्या स्कूल में पहले चापाकल था? नहीं था, इलेक्शन में गड़ाया है, वो भी खराब हो गया। कहाँ जाते हो पानी पीने के लिए तुम? स्कूल से थोड़ी दूर जाते हैं। क्या क्या दिक्कत होता है पानी पीने जाते थे? पानी पीने जाते हैं तो गाड़ी मोटर आता है, इसलिए दिक्कत होता है। चापाकल बिगड़ा हुआ सर? कितना दिन से बिगड़ा हुआ? करीब 2 महीने। क्या ऊपर इसके लिए आवेदन दिए थे सर? आप PW में दिए थे, अभी तक ला नहीं बना? नहीं, एक रोज आया था, वो जो फोन के नापी था, उन्होंने कहा कि हम अगले सोमवार को आएंगे। और इलेक्शन के पहले से आपके विद्यालय में सर चापाकल था या नहीं? 2005 में गया था, वो बाहर हो गया। उस बीच के में आपके विद्यालय में चापाकल नहीं था? तो सर बच्चों को क्या क्या परेशानी होता था, कहाँ पानी पीने के लिए जाना पड़ता था? गाँव में जाना पड़ता है, मध्यान भोजन कि बच्चे पानी पीने जाते हैं तो उससे बच्चों लोग के शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तो पड़ेगा ही, यहाँ जो काम 5 मिनट में हो गया और 15 मिनट गायब हैं, तो पढ़ाई तो उनकी बाधित हो रही है चापाकल के चलते। मैं तो चाहूँगी सर कि सबसे पहले चापाकल ठीक कर दिया जाए ताकि मेरे बच्चों को पानी पीने के लिए भटकना नहीं पड़े। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस विद्यालय में चापाकल की व्यवस्था हो, जिससे बच्चों को पानी पीने के लिए गांव के चापाकल पर जाना ना पड़े। मैं चाहता हूं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिनका मोबाइल नंबर 99 39 71 27 41 पर संपर्क कर इन पर दबाव बनाएं और मेरी मदद करें। मैं मोहम्मद मिस्टर आलम, नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के सैदनपुर गांव से, इंदियान हट के लिए।